अपने वेतन भत्ते व काम का समय तय करने जैसी मांगों को लेकर 102-108 आपातकालीन कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। 26 जून से ये कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। हिमाचल में 108 के तहत 92 एम्बुलेंस चलती है, जबकि 102 एम्बुलेंस में 125 वाहन पिछले कल से सड़कों पर खड़े हैं। जीवी की कंपनी कर्मचारी कंपनी के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि ना तो उनके काम के घंटे तय हैं, वह 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं और ना ही वेतन को लेकर कोई नीति बनाई गई है। जब तक कंपनी मांगे नहीं मानती है वह काम पर नहीं लौटेंगे। जीवी की कंपनी के अधिकारी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। कर्मचारियों की जेब से वाहनों के खराब होने का खर्चा भी चालकों के सिर पर डाल दिया जाता है। ये हड़ताल राज्य भर में चल रही है। इसका सबसे बड़ा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। हम 12 से 18 घंटे के बीच में क्या कर रहे हैं, कोई हमारा ड्यूटी टाइम नहीं है। उसके बावजूद जितने भी जो भी नए बंदे हैं और जो पुराने बंदे हैं सबके लिए एक बराबर है। कोई 8 साल से काम कर रहा है, कोई कल ज्वाइन कर रहा है, सबको सैलरी मिल रही है। और पिछले 4 साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा है किसी तरह की, हमारी जो सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हुई है। और ना ही उसके बावजूद भी जो हमारी अगर कभी गाड़ियां ब्रेक डाउन रहती है या कुछ फ्यूल की वजह से खड़ी है तो हमारी जो है हमारी सैलरी काट दी जाती है, अपसेंड कर दिया जाता है और हमें ऑफ कर दिया जाता है। आपने स्ट्राइक करा क्या है? नहीं, हमारे सबसे पहले तो हमारी बात ये थी कि हमने बात करनी थी, सीएम साहब से भी बात करनी थी, अपने जो एमडी है उनसे भी बात करी कि हमारे साथ इस तरह से हो रहा है। सिर्फ उन लोगों ने सबने हमें आश्वासन दिया, जो आश्वासन है सर ये तो हमारे भी पिछले 2016 से चल रहा है, पिछले 2016 से बात की गई थी। और जो लोग आज सारे हम 108 वाले खड़े हुए हैं, ये इसी बात पे खड़े हैं कि हम आश्वासन पे कोई बात नहीं मानने वाला है। और अगर हमें कोई रिटर्न इस तरह का दिया जाता है कि तुम्हारे साथ फ्यूचर स्टोर है या तुम्हारी जो भी है कुछ जो मांगे अगर ये किया जाता है कि हम मानने को तैयार है, तो हम लोग स्ट्राइक को कॉल डाउन करते हैं।